पापा ने जब कहा कि हाँ मेरी लड़की कुश्ती करेगी, तो मेरी मम्मी भी, मेरी दादी, नहीं नहीं ये कुश्ती वुश्ती नहीं करेगी भाई, अपने लड़कों को करा लो आप कुश्ती, लड़की नहीं करेगी। अलका जैसा बच्चा पैदा तो कम ही हुआ करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरठ को खेल के सामान ने जितना नाम दिया है उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाइयाँ, बुलंदियाँ यहाँ के खिलाड़ियों ने मेरठ को दी है। जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसके पीछे बरसों की मेहनत, लगन और जाने कितने त्याग छिपे होते हैं, और ख़ासकर जब वो एक लड़की हो। अलका जी, इतने बरस आपको कुश्ती में हो गए हैं, तो इस मुकाम पे पहुँच कर कैसा लग रहा है? मैंने 98-99 में रेसलिंग स्टार्ट की थी। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, सिसोली। तो जब 98 में रेसलिंग आई लड़कियों की, मेरी फैमिली में रेसलर थे, मेरे पापा ने की है, मेरे भाई ने भी, मेरे भाई उस टाइम पे करते थे। जब लड़कियों की रेसलिंग आई तो एक अजीब सा लगा सब कि लड़कियां कुश्ती लड़ेंगी। तो पापा रोज़ मेरठ आते थे स्टेडियम में, तो गुरुजी हमारे फैमिली टच में हैं पहले से ही, तो उन्होंने पापा से कहा कि आपके कोई लड़की है? पापा ने कहा हाँ है, तो बहुत दुबली पतली सी है, तो कह रहे आप उसको रेसलिंग कराओ क्योंकि अभी रेसलिंग स्टार्ट हुई है लड़की की, तो अच्छा वो रिजल्ट दे सकती है। तो मैं गई एक दिन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, कैंप लगा हुआ था। जो लड़कियां वहाँ पे पहले थीं वो जूडो से या एथलेटिक्स से, किसी ना किसी गेम से थी, मैंने कभी कुछ नहीं किया था। तो मैं गई तो उन लड़कियों ने मेरे को मार लिया, हरा लिया एकदम से जाते ही। पर मैं थोड़ा सा ना ऐसे नहीं कि मैं ऐसे जाते गिर गई, मैंने थोड़ा मतलब संघर्ष किया, टाइट रही मैं थोड़ी सी। तो गुरुजी ने एकदम से पापा से कह दिया कि तेरी लड़की रेसलर बन जाएगी। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, और 99 का दिन है, और फिर उसके बाद से 2011 में मैंने स्टॉप किया था। तो उस बीच की जर्नी मैं आपको बताती हूँ, जो जो मेन मैंने खिताब जीते हैं। तो मेरा मैंने स्टार्ट कर दी थी तब से, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे गुरुजी ने, मेरे हर, चाहे मेरा कैसा भी वक्त रहा, चाहे मेरे को इंजरी हुई या कुछ भी हुआ, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट की वजह से मैं इंडिया की पहली रेसलर बनी जिसने ब्रॉन्ज मेडल लिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि किसी को ये मुकाम हासिल नहीं हुआ था जो मैंने किया। तो मुझे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, गर्व होता है कि मैं, मेरा नाम हिस्ट्री में आएगा कि आप पहली रेसलर बनी है। तो ये सब मुमकिन हो पाया मेरी फैमिली के संघर्ष की वजह से, मेरे कोच के संघर्ष की वजह से। और मैंने भी जितनी मेहनत मुझे बोली जाती थी गुरुजी, जैसे मैं 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने कभी मन नहीं चुराया उस प्रैक्टिस से। जितना गुरुजी ने कह दिया कि अलका तेरे को इतना करना है, तो मुझे करना है। आप लकी रही, फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहा। लेकिन जैसे गांव देहात की बात करें, या मेरठ भी कंपैरेटिवली मेट्रो सिटी से जी बड़ा नहीं है, तो एक सामाजिक दायरा होता है कि वो आपसे मिलने जी, जी, वाले जी, और सब एक जैसी सोच के नहीं जी, तो क्या कभी कुछ अड़चने भी सामने आई? बहुत अटपटा लगता था, बहुत अजीब लगता था, वो भी गांव वाले माहौल में। गांव में तो लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है वो पढ़ा लिखा के क्या कलेक्टर बना रहे हो, इस तरह से शब्द बोले जाते हैं लड़कियों को अभी भी। बट मेरे पापा ने जब कहा कि हाँ मेरी लड़की कुश्ती करेगी, तो मेरी मम्मी भी, मेरी दादी, नहीं नहीं ये कुश्ती वुश्ती नहीं करेगी भाई, अपने लड़कों को करा लो आप कुश्ती, लड़की नहीं करेगी, कौन इससे शादी करेगा, कौन ये है, रिश्ते भी नहीं आएंगे। तो पापा ने कहा नहीं नहीं ठीक है, मुझे पता है कि मैं इसके कैरियर के लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि नया गेम है, तो आप इसमें अपनी जगह बना सकते हो। तो मैं जाती थी जैसे, तो गाँव वाले सब ओहो ये कुश्ती करेंगी, ये पहलवान बनेंगी, तो इस तरह से मतलब टोंट कसते थे। लेकिन मेरे साथ मेरे पापा या मेरे भाई रहते थे साथ में, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और मेरे पापा ने कहा बेटा जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, आपका काम जवाब देता है। तो वही हुआ था, जब मेरे मेडल आए फिर वही लोग बाग मुझे बधाई देने आते थे, शाबाशी देने आते थे कि देखो आज तुम्हारी वजह से हमारे गाँव का नाम पेपरों में आ रहा है, तुम्हारी वजह से आज हमारे गाँव का नाम टीवी पर आ रहा है। जब मेरे मेडल आते थे, इंटरव्यू वगैरह होते थे, तो वही लोग थे कहीं ना कहीं जो बुराई करते थे। लेकिन आप जब अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ सफलता पा लेते हैं, तो वही आपको सेलिब्रेट करने भी आते हैं। जब इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपको पहला मेडल मिला होगा जी, तो फिर क्या प्रतिक्रिया क्या थी आपके घर पे, आपके गांव में? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी थी, सभी ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक गाँव की लड़की इस मुकाम पे पहुँच जाएगी। और मैं दर्शकों को बताना चाहेंगी कौन सा वो चैंपियनशिप थी? हाँ, ये देखिए, पहले मेरे मेडल आए फ्रेंडली टूर्नामेंट में आए, जो मैं बाहर जाते हैं तो फ्रेंडली टूर्नामेंट होते हैं तो उनमें मौका मिल जाता है
खेलने का, तो इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं रहते फ्रेंडली टूर्नामेंट में, तो उनमें मेडल आया तो उनमें तो इतनी ज़्यादा खुशी हमको नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया, क्योंकि गुरुजी मेरे को छोड़ने गए थे, तो गुरुजी ने कहा था बेटा अगर तू इसमें मेडल ले आती ना तो मैं तेरे को लेने आऊँगा ढोल नगाड़ों के साथ। तो मैंने कहा यार ऐसे क्या है ये, तो मैंने कहा गुरुजी पक्का हो गया आप? कह रहे हाँ मैं पक्का आऊँगा बेटे, बस भर के आएगी पूरी, तेरा स्वागत करेंगे बहुत। हाँ पूरा मतलब गाजे बाजे से हम तो ये बजा के ले जाएंगे और बहुत मतलब सुंदर नज़ारा होगा, तुमने भी नहीं देखा होगा आज तक। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में जब से मैं ये चाइना में हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हम वहाँ पर उतरे, बस ये था कि मेडल लेना है तुझे, कोई सा भी मेडल आ जाए। और फाइट फिर वो जापान वाली लड़की से आई मेरी, उससे फाइट में हार गई, फिर मेरे रैपेचेस चांस मिले, मैं उनको जीते जीते थर्ड फोर्थ की फाइट पे पहुंच गई, फिर मेरा मेडल आ गया। तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि सभी इतने खुश, इंडिया का मेडल आ गया, इंडिया का, दूसरी कंट्री वाले भी, क्योंकि पहला मेडल था वो 2006 में और 99 से रेसलिंग स्टार्ट हो रखी है, तो सबको अजीब लगा, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेसन, और देश के भी कि हाँ भी आपने मेडल दिला दिया इंडिया को। तो गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी को भी यकीन नहीं हुआ। तो वो यादें हमेशा याद करके बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का पल मेरी लाइफ में आया। अलका जी आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब भी खेलने गई तो कभी खाली हाथ नहीं लौटी। जी जी। तो ये संयोग है, सितारे हैं या आपकी मेहनत? ये मैं सब कुछ मानती हूँ, देखिए क्योंकि देखिए मेहनत तो और भी लोग करते हैं, और अगर जब तक आप अल्लाह का आपका साथ नहीं देगा तो शायद वो हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो जैसे भी हमारे साल में हमारी एशियन चैम्पियनशिप होती है हर साल, तो मैं हमारी सात लड़कियाँ, हम सात वेट कैटेगरी होते थे, तो हम सब साथ में जाते थे, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर आ जाता था। तो सब कहते ले ये तो लेके जाएगी ब्रॉन्ज मेडल भाई, ये खाली हाथ नहीं जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे भी कि हाँ भाई मैं मेडल लेके जा रही हूँ अपने इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है तब, आपका तिरंगा ऊपर जाता है तो खुशी होती है, आपके तिरंगे को सलाम करने के लिए दूसरी कंट्री के लोग भी खड़े होते हैं। तो शायद खेल के क्षेत्र में ही ऐसा होता है, जो आपके तिरंगे को दूसरे लोग सलाम करते हैं। अपनी मिट्टी पे हारना, दूसरी कंट्री में आप हार जाते हो आपको कोई नहीं देखता, अपने यहाँ पे आपको सब देख रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर मेरे सब थे, गुरुजी थे मेरे। तो क्या उस दौरान टेंशन का लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं ली मैंने। मैं मेरे भाई से मेरी मुलाकात हुई, मेरे गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई फाइट से पहले, तो मैंने कहा क्या करूं, तो कह रहे देख तू फाइनल में है, तेरा सिल्वर मेडल पक्का है, कोई नहीं ले सकता, बस तू एक गोल्ड के लिए खेलना है अलका, उसको छीनना है तुझे, सिल्वर मेडल तेरा कोई नहीं छीन सकता, तो तू पूरी जान लगा दे आज, क्योंकि पूरा इंडिया तुझे देख रहा है, यही टाइम है अपना नाम बनाने का, अपना जो एक रिस्पेक्ट है उसको आप रख सकते हो। तो मैं बस उसी के साथ उसके साथ खेली, और मेरा उस दिन मेरा फास्ट भी था, फ्राइडे था, तो मैं क्योंकि मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं बस उस दिन लड़ गई उससे, और मैंने उसको मतलब डेढ़ मिनट में वो कुश्ती मैंने ख़त्म कर दी। क्या फास्ट वाले दिन आसान रहा? आसान तो नहीं था, मतलब लग तो रहा था कि कुछ खा लूँ, फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह ही खा के काम चलाया, एक श्रद्धा थी बस मेरे मन में कि कुछ ना कुछ तो करिश्मा होगा आज देवी माँ का। जी अखाड़े से दूर तो देखिए मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मुझे सब कुछ मिला है, रेसलिंग की वजह से ही मेरा नाम है, उसकी वजह से मेरी पहचान है, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली है, हर जगह रेसलिंग की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। तो फैमिली में बिज़ी हो गई हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि दो बच्चे हैं मेरे पास, तो दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन मतलब बिज़ी हो जाती हूँ पर उनके साथ। गुरुजी कहते हैं कि तू मॉर्निंग टाइम में आ जाया कर, पर मैं टाइम नहीं निकाल पाती बिल्कुल भी, जो कि मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं खलता है कि हाँ मैं बच्चों को रेसलिंग सिखाऊं, प्रैक्टिस कराऊं इनको, पर मैं वो कमी शाम को पूरी कर लेती हूं अपनी। तो क्या बच्चों के लिए भी सपना देखा है रेसलिंग का? हाँ बच्चों के लिए, बेटा तो मेरा क्लियर मना कर देता है कि नहीं मुझे रेसलर नहीं बनना, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैंने कहा भाई मुझे तो क्रिकेट पसंद नहीं। तो बेटी को मुझे लगता है कि मेरी बेटी करेगी रेसलिंग और वो बनेगी भी। कुश्ती में एज ए होल हम देखें तो हरियाणा का नाम फेमस है, तो उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश और फिर मेरठ, उसमें भी, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं ये सुविधाओं का वो साधन की कमी में मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ी को सपोर्ट मिलता है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो हमारे खिलाड़ियों को नहीं है।
मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अब तो और जगह भी रेसलिंग का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और बड़ौद, बागपत, इधर लगा लीजिए आप। पहले हमारे मेरठ में ही था बहुत अच्छा माहौल, और अभी उत्तर प्रदेश में तो जो लड़कियों का क्रेज़ है ज़्यादा हमारे मेरठ में ही है। हमारे जो मेरे जो गुरु जी हैं इनकी बदौलत ही ज़्यादातर लड़कियाँ निकल पाई हैं, और इनके पास से कम 15-20 लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पर पहुँची हैं, मेडल लिए हैं, फिर उसके बाद उनको जॉब मिली है, जो उनका कैरियर सही हो गया है। और जो है सुविधाओं की कमी मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि हरियाणा में क्या है, एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी पे अगर उसका ब्रॉन्ज मेडल भी आ गया या सिल्वर मेडल आ गया तो उसके पास जॉब है जी, तो उसको मतलब टेंशन फ्री हो जाता है वो बंदा कि हाँ भाई मेरे अगर कल को चोट लग जाती है या मेरा मेडल भी नहीं आता तो मेरी जॉब से मेरा फ्यूचर सही चल रहा है। बट हमारे पास तो टेंशन में आप कर रहे हो यार, आपके पास इंटरनेशनल मेडल है और भी ज़्यादा मेडल है, तो आपके पास जॉब नहीं है, तो बच्चे आना भी बच्चा आने के लिए भी सोचता है कि हम क्यों जाए फिर रेसलिंग में। बस पहले तो क्रेज था एक कि हाँ भाई अलका तोमर का नाम हो गया या गार्गी है या रजनी है, इन सब के मेडल आ रहे हैं तो हम भी जाएं, हमारा भी नाम होगा। लेकिन अब आगे तक की सोचते हैं कि यार इससे फ़ायदा क्या है, आपको क्या, आपका क्या फ्यूचर क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप तो इतने पहले, चलो मेरे को भी मांगने से जॉब मिली थी जब मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, तब मैंने जॉब मांगी थी मुख्यमंत्री जी से, तब मुझे जाके ये जॉब मिली थी। अलका जी, मेरठ आपके लिए क्या है और मेरठ वाले क्या है? नहीं, मेरठ मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है और मेरठ वाले भी, क्योंकि मैंने जब भी मेडल लिया है अपने मेरठ वासियों ने मेरा सम्मान किया है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल रहा है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल रहा है, मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया था, जबकि सबको पता नहीं था, हमने अलर्ट नहीं किया था, मैं एकदम से अचानक आ गई थी मेरठ क्योंकि मेरा वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो मेरठ आ रही हूँ। तो जो मेरा रोड शो हुआ था तो हर नुक्कड़ पे हर गली में मेरा स्वागत किया, चाहे वो फूल मालाओं से था, चाहे वो तिलक लगा के था, तो मैं उस पल को हमेशा याद करती हूँ। जिस दिन अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हुआ वो उस दिन को याद करें कुछ? हाँ जी, अर्जुन अवार्ड को मैं याद करती हूँ, मुझे 2008 में अर्जुन अवार्ड मिला था, तो खुशी तो थी मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल था मेरे मन में, क्योंकि ये भी एक मेरे लिए मायने रखता था कि आपको, मेरे को सेकंड अवार्ड ये मिल रहा था इंडिया की, मैं सेकंड लड़की थी, बट मैं फर्स्ट हो सकती थी। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिया, हर साल मैं जो एशियन चैम्पियनशिप बता रही हूँ उसमें मेडल थे, और एशियन गेम्स में मेरा मेडल था, तो मेरी टॉप परफॉर्मेंस थी 2007 में। बट दूसरी जो लड़की थी, गीतिका जाखड़, हरियाणा की DSP है वो भी इस टाइम पे, मैंने कह रही वो अच्छी खिलाड़ी नहीं है, अच्छी है लेकिन उसमें पॉइंट वगैरह कुछ काउंट होते हैं, तो हमने भी काउंट किए होते हैं कि मेरे पॉइंट कितने हैं, मेरे उससे 7 या 8 पॉइंट ज़्यादा थे, लेकिन मुझे ना देके वो अवार्ड उसको दे दिया गया क्योंकि उसकी सिफारिश होगी, कुछ मेरी सिफारिश नहीं थी। लड़कियों में कुश्ती की कितनी संभावना आप देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, और वो कर भी रही हैं हमारी लड़कियाँ, मेरठ की जितनी भी लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी हमारे हर साल जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें मेडल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो मतलब अभी थोड़ी सी हरियाणा से, जैसे आपने कहा था, हमारे थोड़े कम मेडल आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपना टारगेट सेट करना होगा और हमें डबल या ट्रिपल मेहनत करनी होगी, तब हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। संभावनाएं देखिए वहीं पे हो जाती हैं जहां आप मेहनत शुरू कर देते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते तो कुछ संभावना नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है किसी का भी। इन बच्चों को जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि आप अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, गुरुजी बाद में आते हैं, पहले आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, फिर गुरुजी का नाम होगा, मेरठ का नाम होगा, तो आप ये सोचो कि हमारा कैरियर बनना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, तो आप कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो, यहाँ पे टाइम पास करने के लिए मत आया करो। कुश्ती की सोच कहाँ से शुरू होती है? पहली सीढ़ी तो देखिए, हर कोई अपना फ्यूचर देखता है कि मेरा फ्यूचर क्या है रेसलिंग में, या मैं बन सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो इस तरह की सोच लेके बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स आते हैं। अभी तो जब न्यू कमर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो मेरे को लगता है उस बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स हमारे से मिलते हैं रोज़, वो कहते हैं मैडम हमारी बच्ची बन जाएगी। मैंने कहा देखिए ये 1 या 2 महीने में नहीं कह सकते आप, 1 साल के अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी बच्ची बन सकती है क्या नहीं बन सकती है, क्योंकि
जब हमारे भी मेडल आने शुरू हुए थे तो हमें भी इतना ही टाइम लगा था। मेरे पापा रोज़ मेरे साथ आते थे, रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो वो नहीं आते हो, चाहे उन्हें कितना भी काम होता था, लेकिन नहीं, एक टाइम ज़रूर जाना है। और आप सबको, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है इस गेम में। इस गेम में क्या, मेरे को लगता है हर उस फील्ड में ही करनी पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन है या और भी गेम है, हर फील्ड में बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो एंड भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसने अलका तोमर को विश्व विजेता बनाया। 1998 में यहाँ पे जो है अपना एक स्टेट का रेसलिंग कोचिंग कैंप लगा था कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो ये जब तो भी करती नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो इतना था। तो इसके जो है पापा मेरे पास आए तो उसने कहा कि गुरुजी, हमारी लड़की को आप देखिए, अलका को यदि हम पानी भी मांगते हैं तो दौड़ दौड़ कर लाती है, तो ज़रा देखिए वो कुश्ती कर सकती है क्या नहीं। मैं कहा अच्छा लाओ। तो जो है वहाँ पर ले कर आए इसे, तो कभी बेचारी ने कभी करी तो थी नहीं, तो इसके मन ने जोर कराए, लेकिन इसमें एक टैलेंट देखा कि कूद कूद कर ये ऐसे लड़ रही थी कि भाई मुझे जीतना है, हारना नहीं। तो मैं इसके पिताजी से कहा, मैं कहा भाई देखो ऐसा है, ये लड़की यदि कहीं सही जगह करेगी तो ये वो जो है बनने वाली लड़की है, नाम रोशन करने वाली है। कहना ठीक है। तो उसने अगले दिन मेरे ही पास भेज दिया फिर से। तो वहाँ पर कैंप लिया था, इसमें जो है 10-15 दिन उसमें प्रैक्टिस करी, उसके बाद मथुरा में नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई, उसमें इसका जो है सिल्वर मेडल आया। एक लड़की और थी दिल्ली की, उससे लूज कर गई। उसके बाद नाथ द्वारा में गए तो फिर सेकंड रह गई, उसी साल दोबारा हुआ था। उसके बाद तो फिर ये चढ़ती चली गई। अलका जैसा बच्चा पैदा तो कम ही हुआ करते हैं जी। बहुत ज़्यादा मेहनती थी, विल पावर थी। खैर इसके घर वालों ने भी हमें भाई हमारा साथ दिया, तो लेकिन इसने ज़्यादा साथ दिया कि रेगुलरली इसने अपनी प्रैक्टिस करी। और इसके शोल्डर में जो थी इतनी आ गई थी कि ये जो था सोते सोते भी इसका शोल्डर निकलना शुरू हो गया था। 2 साल इसके जो है गायब हुए, लेकिन जो है सब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन ही है, इसका इलाज कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई अलका, ये तो मैं जानता हूँ, ऑपरेशन करा तो कुश्ती ख़त्म हो जाएगी। और मुझे इससे लालच था, मुझे दिखाई देता कि ये नाम कंद्रोशन करने वाली लड़की है। तो मैंने जो था इसे एक्सरसाइज कराई, इसके शोल्डर की एक्सरसाइज कराई। मैंने कहा ऑपरेशन तो कभी भी करा लेंगे भाई जी जी। तो इसे एक्सरसाइज जो इतनी कराई, एक रोती रहती थी और करती रहती, रोती रहती करती रहती, इसका शोल्डर फिर ऐसा जाम हो गया। और फिर जो था मतलब भाई उसी शोल्डर से वर्ल्ड में भी पोजिशन, सब जगह फिर पोजिशन ली इसने। और फिर भारत केसरी भी बनी, हिंदुस्तान का कोई टाइटल ऐसा नहीं जिसके जो इसने ना जीता हो। जो अब छोटे बच्चे जो आ रहे हैं इनमें तो बच्चे टैलेंटेड हैं। दिक्कत यह है कि यदि कोई बच्चा टैलेंटेड होता है तो उनके जिनके घर के नहीं साथ देते, हमारा घर जिनके घर वाले साथ दें वो बच्चा टैलेंटेड नहीं है। इसमें दोनों चीज थी, इसलिए एकदम से हम जो इसे ऊपर ले गए। यूट्यूब ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।